हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 31 है। इसके प्रीवियस के 30 लेक्चर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ये सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक हैं। तो अगर आप इनको एक सीरीज में फॉलो करेंगे तो आपको ये लेक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिसीवर्स जो कि हम यूज करते हैं AM और FM में। तो रिसीवर्स में हमने दो टाइप के रिसीवर देखे थे, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर और दूसरा सुपर हीटरोडाइन रिसीवर। तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में, क्या कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उसकी लिमिटेशन थी, उसको रिमूव कैसे हम सुपर हीटरोडाइन रिसीवर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिव्यू हम ले लेते हैं इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो का। ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से था। ये यहाँ पे आपका एंटीना होगा जो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को यहाँ पर रिसीव करेगा। ये आपका एक RF एम्पलीफायर है जो कि बेसिकली एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है। मतलब जिस भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का आपको सिग्नल यहाँ पे पास करना है उस पे ये ट्यून रहेगा। मान के चलिए 1000 किलोहर्ट्ज की वेव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये RF एम्पलीफायर आपका ट्यून हो जाएगा 1000 किलोहर्ट्ज पे, और ये 1000 किलोहर्ट्ज को पास करेगा और बाकी की फ्रिक्वेंसीज को एलिमिनेट कर देगा। फिर ये जाके आपका डिमोडुलेटर में होगा। डिमोडुलेटर में आपका AM DSBSC और SSBSC डिमोडुलेशन में जो हम यूज करते हैं मेथड वो यहाँ पर लगी रहती है। फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में, फिर पावर एम्पलीफायर में, और फिर ये लाउड स्पीकर में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये डिटेल्स हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर हम केवल इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से हम इसको कमर्शियली ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं और इसकी जगह पर हमें यूज करना पड़ता है सुपर हीटरोडाइन रिसीवर। तो यहाँ पर इस ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम ये थी कि हमने अगर इस RF एम्पलीफायर को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर दिया है, फिर उसके बाद अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो AM सिग्नल की बैंडविड्थ है जो कि FCC द्वारा फिक्स कर दी गई है 10 किलोहर्ट्ज, वो चेंज हो रही थी। और अगर बैंडविड्थ को हम मेंटेन रखते थे तो क्वालिटी फैक्टर आपका इस सर्किट का चेंज हो रहा था। तो प्रॉब्लम इसमें ये थी कि अगर हम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चेंज करते हैं, स्टेशन की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, तो उसके साथ आपकी बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर चेंज हो रहे थे। तो इस चेंज को हम किस तरीके से सुपर हीटरोडाइन रिसीवर में दूर करेंगे? तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ के बीच में ये एक रिलेशन था। जैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज होगी तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ FR इज चेंज्ड देन बैंडविड्थ इज चेंज्ड, बट अकॉर्डिंग टू FCC बैंडविड्थ ऑफ AM इज फिक्स्ड। FCC ने 10 kHz bandwidth को fix किया हुआ है। To maintain bandwidth 10 kHz, quality factor of the circuit should be changed. But it is not possible to change quality factor very frequently. Quality factor को हम बार बार change नहीं कर सकते हैं। तो इस problem को हम कैसे remove कर सकते हैं? इस problem को remove करने का एक solution ये है कि अगर इस RF amplifier का जो भी output होगा उसको एक particular frequency पे हम fix कर दें, यानी जो भी आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो जाएगी। और बैंडविड्थ AM की ऑलरेडी फिक्स्ड है 10 किलोहर्ट्ज पे, तो जब FR आपका फिक्स हो जाएगा, बैंडविड्थ आपकी फिक्स हो जाएगी, तो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है FR अपॉन बैंडविड्थ। तो जब FR फिक्स हो गया, बैंडविड्थ फिक्स हो गई, तो आपका जो सर्किट का क्वालिटी फैक्टर है वो भी अब फिक्स हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं कि हमें क्वालिटी फैक्टर उसका बार बार चेंज ना करना पड़े। और ये करने के लिए हमें जो भी ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है इस RF एम्पलीफायर की, वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करनी होगी। तो इसको हम रिमूव करते हैं सुपर हीटरोडाइन रिसीवर में। उसमें क्या होगा, एज इट इज आपका जो ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है ये एज इट इज होगा, ये सारे ब्लॉक आपके सेम होंगे। बस इसमें इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक इसमें ऐड करते हैं। तो वो ब्लॉक कौन कौन से हैं ये हम सुपर हीटरोडाइन रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है आपके पास सुपर हीटरोडाइन रिसीवर का।
इसमें देखिए ये आपका एंटीना है, ये आरएफ एम्पलीफायर है जो कि बेसिकली एक ट्यून्ड एम्पलीफायर है। अब अगर आप इस ब्लॉक को अलग कर दें तो ये पूरा आपका ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जैसा ही है। ये आरएफ एम्पलीफायर है, ये डिमॉड्यूलेटर है, ये एएफ एम्पलीफायर है, ये पावर एम्पलीफायर है और ये स्पीकर है। ये सारे ब्लॉक आपके सेम हैं, बस सुपर हीट ट्यून रिसीवर में यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि आरएफ एम्पलीफायर की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी उसको हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करना है, यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करना है। और जब आपकी एफआर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, बैंडविड्थ आपकी फिक्स है, तो हमें सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से सुपर हिट ट्यून रिसीवर बनाने के लिए हमें ये दो ब्लॉक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, एक तो आपका मिक्सर है और दूसरा आईएफ एम्पलीफायर है। बेसिकली यहाँ पे मिक्सर आपका क्या करेगा, मिक्सर में देखिए ये तो आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी होगी जो एंटीना आपका रिसीव करेगा, और ये आपका ट्यून एम्पलीफायर है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ऑलरेडी ट्यून्ड होगा और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ये पास करेगा। जैसे कि अगर ये 1000 किलो हर्ट्ज पर ट्यून्ड है तो ये 1000 किलो हर्ट्ज को सिलेक्ट करेगा और बाकी सारी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। अब ये 1000 किलो हर्ट्ज, इसको हम एफ एस से डिनोट कर देते हैं, आपका मिक्सर में अप्लाई होगा। और यहाँ पे मिक्सर में हम एक और इनपुट अप्लाई करते हैं इस लोकल ऑसिलेटर से, ये भी आपकी एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इसको हमने एफ एल से यहाँ पे डिनोट किया है। तो ये एफ एस और एफ एल आपके इस मिक्सर में अप्लाई होंगे। मिक्सर आपका क्या करेगा, मिक्सर का फंक्शन ये है कि दो फ्रिक्वेंसी को ये कंबाइन करेगा और इसके दो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेगा, एफ एस प्लस एफ एल और दूसरा एफ एस माइनस एफ एल। इन दोनों फ्रिक्वेंसी का सम प्रोवाइड करेगा और इन दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस इसके आउटपुट में हमें प्रोवाइड करेगा। अब ये आईएफ एम्पलीफायर क्या होता है, आईएफ एम्पलीफायर आपका बेसिकली एक ट्यून्ड एम्पलीफायर ही होता है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है, और इस आईएफ एम्पलीफायर की जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उसको हम एफ आईएफ से डिनोट करते हैं। आईएफ एम्पलीफायर आपका होता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एएम और एफएम ट्रांसमिशन के लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं एफसीसी के द्वारा वो देखे हुए थे, तो उसमें आईएफ यानी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के बारे में भी हमने देखा था। तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी थी एएम के लिए कितनी, 455 किलो हर्ट्ज, और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी थी एफएम के लिए कितनी, 10.7 मेगा हर्ट्ज। तो इस आईएफ एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे एएम की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर इस फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा, यानी 455 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ये आईएफ एम्पलीफायर हमेशा पास करेगा। तो इस पूरे ब्लॉक को जो हमने ऐड किया था वो किस लिए ऐड किया था, कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हम जो भी हमारा इनपुट है उसको फिक्स कर देंगे, जिससे कि हमें एफआर की जो वैल्यू है वो बार बार वेरी ना करना पड़े। और एफआर की वैल्यू जब आपकी वेरी नहीं होगी तो हमें बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर को वेरी नहीं करना पड़ेगा। तो इन दो ब्लॉक की हेल्प से हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। मिक्सर आपका प्रोड्यूस करेगा इनका सम और इनका डिफरेंस, और आईएफ एम्पलीफायर आपका क्या करेगा, बेसिकली ये रिसीवर सेक्शन की बात हो रही है तो रिसीवर सेक्शन में हम हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो रिसीवर सेक्शन में आपका क्या होगा, ये इनके डिफरेंस को यहाँ पे पास करेगा। तो आईएफ एम्पलीफायर की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी आपकी बार बार वेरी नहीं होगी। तो जो प्रॉब्लम्स हमें ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में आ रही थी वो अब सुपर हीटरोडाइन रिसीवर में एलिमिनेट हो जाएंगी। इसके बारे में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सुपर हीटरोडाइन रिसीवर में और डिटेल से डिस्कस करने के पहले हम ये मिक्सर का फंक्शन यहाँ पर समझ लेते हैं। मिक्सर आपका एक्चुअली क्या करता है और किस तरीके से ये यहाँ पर इनका सम और डिफरेंस हमें प्रोवाइड करता है, तो पहले हम मिक्सर के बारे में समझ लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे सुपर हीटरोडाइन रिसीवर के बारे में। तो मिक्सर्स की हम बात करें अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो मिक्सर्स को हम यूज करते हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को दूसरी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कराने के लिए हम मिक्सर का यूज करते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी
ट्रांसलेशन करने के लिए हम मिक्सर्स का यूज करते हैं। और ये हम इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि हमें रिसीवर सेक्शन में इजीली जो हमारा सिग्नल है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। तो सिग्नल के रिसीवर सेक्शन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे मिक्सर्स का यूज करेंगे रिसीवर साइड में। बेसिकली मिक्सर का फंक्शन ये है कि इसमें जो भी हम फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे, ये बेसिकली पूरा एक आपके मिक्सर का ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आप पूरा मिक्सर बोल सकते हैं, मतलब मिक्सर में आपका बेसिकली एक मल्टीप्लायर होगा और एक बैंड पास फिल्टर होगा। तो मल्टीप्लायर में आपकी ये फ्रिक्वेंसी अप्लाई होगी FS, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी होगी, जो कि आ रही थी आपकी कहां से, एंटीना से और RF एम्पलीफायर से होते हुए मिक्सर में। तो मिक्सर के अंदर का ब्लॉक डायग्राम ये है। तो ये FS, और इसमें एक और इनपुट हम अप्लाई करेंगे इस लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी FL से हमने इसको डिनोट किया है, ये FS है। अब मल्टीप्लायर आपका क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करा के दे देगा और फिर हमें जिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के सिग्नल को डिटेक्ट करना होगा वो बैंड पास फिल्टर से पास करा के हम उसको आउटपुट में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो इस सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका ट्रांसमीटर का सेक्शन है और ये आपका रिसीवर का सेक्शन है। ट्रांसमीटर सेक्शन में हम क्या करते हैं, मान के चलिए एमटी हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जिसको हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल समझने के लिए DSBSC जनरेशन को कंसीडर कर लेते हैं। सिंपली मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में अप्लाई करते हैं और हमारे पास आउटपुट में DSBSC सिग्नल मिल जाता है। ये सारी डिटेल आप जब हम DSBSC के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आउटपुट में इस मैसेज सिग्नल और इस कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगा। तो DSBSC सिग्नल का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ACMT cos 2πfct। अब ये आपका जब DSBSC सिग्नल जनरेट हो गया और इसको हमने पास किया है वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ट्रांसमीटर सेक्शन से ये जब पहुंचेगा आपका रिसीवर सेक्शन में, तो रिसीवर सेक्शन में एक एंटीना होगा जो इसको रिसीव करेगा। एंटीना से पास होने के बाद यहाँ पे एक RF एम्पलीफायर होगा जो ट्यून्ड होगा एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, यानी एंटीना तो आपकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा लेकिन RF एम्पलीफायर आपका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड होगा तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा। अब इसके बाद इसको हम अप्लाई करते हैं एक मिक्सर में। तो रिसीवर साइड में ये देखिए आपका मिक्सर है, तो मिक्सर में बेसिकली ये एक मल्टीप्लायर है और ये एक बैंड पास फिल्टर है। तो इस मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो इस मल्टीप्लायर में एक तो आपका ये DSBSC सिग्नल अप्लाई हो रहा है और दूसरा आपका ये लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल इसमें अप्लाई हो रहा है AC cos 2πfLt। ये जब हम मल्टीप्लायर में अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगा और फिर इसको हम एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसको हम एक स्पेक्ट्रम के थ्रू भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मान के चलते हैं ये देखिए MTR का मैसेज सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से अगर हमें दिखाई दे रहा है। तब जब आपका DSBSC सिग्नल जनरेट होगा इस मैसेज सिग्नल की हेल्प से, तो DSBSC का स्पेक्ट्रम किस तरीके से होगा, ये मैसेज सिग्नल आपका इस कैरियर फ्रिक्वेंसी पे जो कि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसमीटर साइड में, इस पे एक बार पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा और एक बार नेगेटिव साइड। तो ये पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल आपका ये प्लस FC पे शिफ्ट हो जाएगा और माइनस FC पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अब DSBSC सिग्नल आ गया है। अब ये जब रिसीवर सेक्शन में रिसीव्ड होगा तो ये होगा आपका मल्टीप्लायर में और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं एक लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लायर का आउटपुट हो जाएगा DSBSC इंटू लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट। तो DSBSC सिग्नल क्या है, AC × MT cos 2πfct। ये देखिए DSBSC क्या करता है आपका जस्ट मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इस DSBSC सिग्नल
और इस लोकल ऑसिलेटर के आउटपुट का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका टोटल मल्टीप्लायर का आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए एफ सी और एफ एल दो फ्रिक्वेंसी टर्म है, एफ एल आपके इस वाले लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी है और एफ सी आपकी क्या है, इस डीएसबीएससी सिग्नल की कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे अगर एफ सी आपकी ग्रेटर देन है एफ एल से, यानी आपकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर है लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी से, तब क्या होगा मल्टीप्लायर का आउटपुट, ए सी एम टी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एल टी प्लस ए सी एम टी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एल टी। यानी जब हमने दो सिग्नल आपके मिक्सर में अप्लाई किए हैं तो मिक्सर ने हमें दो अलग फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, पहला आपका एफ सी प्लस एफ एल पे और दूसरा एफ सी माइनस एफ एल पे। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये हो जाएगा आपका एफ सी और ये आपका एक बार शिफ्ट हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एल पे कुछ इस तरीके से और एक बार एफ सी माइनस एफ एल पे कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए ये तो हुआ आपके मल्टीप्लायर का आउटपुट, अब इसको जब आप पास करेंगे एक पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर से, तो बैंड पास फिल्टर आपका क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा बाकी को एलिमिनेट कर देगा। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लायर का आउटपुट था तो जब ये एक बैंड पास फिल्टर से पास करेगा तो बैंड पास फिल्टर या तो इस बैंड को सिलेक्ट करेगा या इस बैंड को सिलेक्ट करेगा, इन दोनों में से किसी एक बैंड को सिलेक्ट करेगा। अगर ये इसको सिलेक्ट करता है एफ सी प्लस एफ एल को तो ये हो जाएगा आपका अप कन्वर्टर, और अगर इसको सिलेक्ट करता है एफ सी माइनस एफ एल को तो ये हो जाएगा आपका डाउन कन्वर्टर। तो अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर आपका डिपेंड करता है इस बैंड पास फिल्टर पे। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं, पहला केस हमने लिया था कि अगर एफ सी आपकी ग्रेटर है एफ एल से, अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपकी ग्रेटर है इस कैरियर फ्रिक्वेंसी से, तब मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा, सेम वही होगा केवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए सी एम टी बाई टू कॉस टू पाई एफ एल प्लस एफ सी टी प्लस ए सी एम टी बाई टू कॉस टू पाई एफ एल माइनस एफ सी टी। तो अब क्या होगा आपका, ये एक बार एफ एल प्लस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा और एक बार एफ एल माइनस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस मल्टीप्लायर के आउटपुट को जब हम फिर से बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो वो या तो इसको सेलेक्ट करेगा या इसको सेलेक्ट करेगा, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा। अगर बैंड पास फिल्टर इसको सेलेक्ट करता है तो ये हो जाएगा आपका अप कन्वर्जन, और अगर इस बैंड को सेलेक्ट करता है तो ये हो जाएगा आपका डाउन कन्वर्जन। तो इस तरीके से ये आपका अप कन्वर्जन और डाउन कन्वर्जन डिपेंड करता है बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक पे। तो बेसिकली ये फंक्शन हुआ आपके मिक्सर का, मिक्सर ने आपके क्या किया, मिक्सर ने हमें जो भी हमने इनपुट में इसके अप्लाई किया था उसके दो कंपोनेंट हमें प्रोवाइड कर दिए, एक एफ एल प्लस एफ एस और दूसरा एफ एल माइनस एफ एस, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस। और इसको जब हम अप्लाई करेंगे एक बैंड पास फिल्टर में तो ये या तो सम को डिटेक्ट करेगा या इनके डिफरेंस को। तो हम वापस अब सुपर हिटोडाइन रिसीवर पे आते हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से। तो मिक्सर के बारे में हमने डिटेल से देख लिया था, ये आपके दो कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, एक तो सम एक तो डिफरेंस। अब आईएफ एम्पलीफायर आपका वैसे ही एक ट्यून एम्पलीफायर है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है, तो ये आईएफ एम्पलीफायर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा इसमें से। तो आपकी जो एफ आर थी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो गई और बैंडविड्थ आपकी पहले से फिक्स थी तो क्वालिटी फैक्टर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है सुपर हिटोडाइन रिसीवर का अगर हम इसको कंपेयर करें ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से। तो ये तो जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ सुपर हिटोडाइन रिसीवर का, इसके बारे में हम डिटेल से इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके एक एक ब्लॉक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इमेज फ्रिक्वेंसी का जो कंसेप्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो में आपको मिक्सर का एक आइडिया लग गया होगा कि मिक्सर आपका किस तरीके से फ्रिक्वेंसी को ट्रांसलेट करता है और सिग्नल को रिसीव करना कितना आसान हो जाता है। तो ये एडवांटेज है सुपर हीटोडाइन रिसीवर का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर हीटोडाइन रिसीवर के बारे में डिटेल से और इमेज फ्रिक्वेंसी के बारे में। थैंक यू।